Easy English. नमस्कार, तो कैसे हैं? वेलकम टू इजी इंग्लिश. आज हम करेंगे एट स्ट्रक्चर. इससे पहले वीडियो में हमने किया था शुड हैव एक्टिव वर्ज. अब हम शुड हैव का पैसिव वर्ज करेंगे. पैसिव वर्ज ऑफ शुड हैव. अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझनी है तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखिए, उसके बिना ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा. शुरू करते हैं इसका पैसिव वाइज. चलिए, इसका जो फर्स्ट है अफर्मेटिव. हमें पता है पैसिव वाइज में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है. ठीक है, अगर पैसिव वाइज के बारे में भी आप अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, जितनी भी चीजें यहां मैं बता रहा हूं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप पैसिव वाइज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आप जरूर देखिए, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में पैसिव वाइज कंसेप्ट इतना सा बताते हैं जबकि एक्चुअल में पैसिव वाइज कंसेप्ट इतना बड़ा है. अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तब जाके आप समझेंगे, तभी जाके आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी. चलिए शुरू करते. ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन एंथर. जैसे आम खाया जाना चाहिए था, तो क्या है, मैंगो शुड हैव बीन ईटन. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नेगेटिव. तो नेगेटिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट should have not been hurt. जैसे पानी नहीं भरा जाना चाहिए था. तो क्या बने इस इंग्लिश, water should have not been filled. इसके बाद हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव. हमें पता है कि किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है हम बाहर निकाल लेंगे. तो शुड को हम बाहर निकाल लेंगे. शुड सब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म क्वेश्चन वन. क्या उसे पढ़ाया जाना चाहिए था. वैसे इस चैनल में कमाल की बात हो रही है, आप हिंदी भी बढ़िया ढंग से सीखने वाले हैं. तो क्या बनाएंगे, शुड ही have been taught. Next है हमारा फोर्थ रूल इंटेरोगेटिव नेगेटिव. देखिए, किसी भी टाइप का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना, आप उससे इंटेरोगेटिव रख दीजिए, बस यहां है के बाद नोट लगा देना. क्या बनेगी, शुड. मैं आपसे कमेंट में कुछ एक्सपेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे जानबूझ के गलती की है. आप देखते पता लगाते नहीं लगाते, वैसे अभी तक मैं कर चुका हूं, आपको पता नहीं लग गया होगा. मैंने क्या किया, यहां ऑब्जेक्ट लगा, क्या आपने ध्यान दिया, जिसने दिया उसके लिए लाएंगे. ओके, शुड ऑब्जेक्ट एम नॉट बीन थर्ड. तो क्या आएगा, क्या पत्र नहीं लिखा जाना चाहिए था. क्या बनेगी, शुड लेटर हैव नॉट बीन रिटन. तो ये, इसके बाद हम करते हैं इसका फिफ्थ रूल.
दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब. कैसे बनेगा वो फिफ्थ रूल? इंटेरोगेटिव एडवर्ब. अगर आप इंटेरोगेटिव एडवर्ब के बारे में अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो एक्टिव वाइज में टेंसेस में फर्स्ट वीडियो है प्रेजेंट एक्टिव टेंस की, उसका फिफ्थ और सिक्स रूल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट रूल है. शुरू करते हैं. डब्ल्यू एच प्लस शुड ऑब्जेक्ट हैव बीन थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क. साइकिल क्यों खरीदी जानी चाहिए थी? तो क्या बनेगा? व्हाई शुड बाई साइकिल. देखो बी आई बाई में अलग दो साइकिल मैंने चक, इसके दो चक्र होते हैं उसे बाई साइकिल बोलते हैं, और जिसे तीन चक्र होते हैं ट्राई साइकिल, उसे ट्राई साइकिल ही बोलते हैं, जैसे बच्चों का स्कूटर वगैरह. ओके, साइकिल क्यों खरीदी जानी चाहिए थी? व्हाई शुड बाई साइकिल हैव बीन बॉट. नेक्स्ट एंड लास्ट टू लेसी गई इंटेरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब. तो क्या बनेंगे? डब्ल्यूएच लगाएंगे और फोर्थ रूल सारा लिखेंगे. शुड ऑब्जेक्ट हैव नॉट बीन थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क. उसे कब नहीं सिखाया जाना चाहिए था? देखिए, पढ़ाओ या सिखाओ टीच लगा दीजिए आपका मतलब हल हो जाएगा. When should he have not been taught? ये हमारा कंप्लीट है. देखिए मैं बार बार कहता हूं, आज भी मुझे कहना पड़ेगा, प्लीज मेरी बातों से बोर मत होइए, ये फर्स्ट चैनल है पूरे यूट्यूब पे जो आपको सिस्टमेटिकली ढंग से इंग्लिश सिखाना चाहता है. ये वीडियो नंबर 31 है, 31 है, आप फर्स्ट वीडियो से. अब देखो वाकई में मन में आ गई इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके सेंटेंस बनाइए. हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सेंटेंसेस मिलेंगे. कुछ भी पूछना है आप उसी वीडियो पे हमें कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं. तो धीरे धीरे करके यहां तक आइए, आप डेफिनेटली डेली. आपको देखो कई बार आप किसी सेंटर में जाते हो तो आपको महीने डेढ़ महीने के बाद पता चलता है कि आप क्या सीख रहे हो, लेकिन यहां पे जैसे ही पहले दिन में आपने पहले वीडियो देखी और सेंटेंस बनाए तो इसका असर पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा. अगले तीन चार दिन में आपको इंप्रूवमेंट फील होने लग जाएगी. एक बात और, आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं पहला टेंस नहीं आता, मैं गारंटी देता हूं. आप मेरी पहली वीडियो देखिए ट्रेंड टेंस की और उसको फॉलो कीजिए, आप गारंटेड पहला टेंस सीख जाएंगे और आपको मेरी बात पे विश्वास आ जाएगा. वो वीडियो बस 25 मिनट की है, आप सिर्फ अपने 25 मिनट में को दीजिए और फिर देखिए फर्क आप खुद महसूस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वैल्यू मिली, कुछ आप सीखे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.